फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद मनीषा फॉर यू। आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नई रेसिपी को लेकर, सेवई वेज रोल। ये सेवई से बने हुए वेज रोल हैं और फ्रेंड्स, आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और ये आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए हम इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। हम एक बर्तन में 1.5 कप मैदा लेंगे, 1/2 कप कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अब इसमें हम 2 कप पानी डालकर इन्हें एक पतला घोल तैयार कर लेंगे। हमें घोल पतला तैयार करना है, इसलिए इन्हें हमें अच्छे से मिलाते रहना है और ज़रूरत लगे तो इसमें हमें और पानी भी डाल देंगे। अब इन्हें हम 15 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट्स हो गए हैं। अब हम रोल की शीट तैयार करेंगे। एक पैन में हमने 1/2 चम्मच तेल गरम किया है। अब इसमें हम बैटर को पूरे पैन में ला देंगे। देखिए, हमारा बैटर इतना पतला है कि आराम से फैल गया है। इन्हें हमें मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है, नहीं तो ये जाएंगे। इन्हें 2 से 3 मिनट ऐसे ही पकने देना है। अब कि साइड में ये पक गया है तो इसने लेयर छोड़ दी है। अब इसे हम पलट लेंगे और दोनों साइड्स पे हमें ऐसे ही पकाना है। ये हो गया है। अब इन्हें हमने एक प्लेट में मैदा लगा के रखा है, उसी पर हम लगा देंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं। इसी तरह हम दूसरी भी शीट तैयार कर लेंगे। हमारी शीट तैयार हो रही है। हमारी सारी शीट तैयार हो गई हैं। अब हम इनकी स्टफिंग तैयार करेंगे। एक पैन में हमने 1 चम्मच तेल ऐड किया है, उसमें हमने 1 मीडियम प्याज कटी हुई, 1 चम्मच लहसुन बारीक कटा हुआ, 2 हरी मिर्च चॉप की हुई। इन सबको हमें सेलो फ्राई करना है। अच्छे से मिला लेना है और इन्हें हल्का ट्रांसपेरेंट होने तक ही पकाना है। अब 1 कप हम इसमें सेवई ऐड करेंगे। सेवई को भी हमें भून लेना है, हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। हमारी सेवई, इसमें हम कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो हमने 1/2 कप फ्रेश बीन्स ली है, 1 कप पत्ता गोभी और गाजर। इन सभी को हमें अच्छे से मिक्स करके भून लेना है। तीन से चार मिनट ही पकाएंगे हमने। इसमें हमने 1/2 टीस्पून लाल मिर्च डाली है, 1/2 टीस्पून काले मिर्च, 2 कप पानी ऐड कर दिया है। मिला लेंगे सब अच्छे से। सॉल्ट टू टेस्ट। सभी सब्जियां सेवई अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इन्हें हमें ढककर 5 मिनट के लिए पका लेना है। पाँच मिनट हो गए हैं। सभी सब्जियां सेवई अच्छे से पक गए हैं।
अब इसमें हमें एक चम्मच सोया सॉस ऐड करेंगे। इसे मिलाकर हमें मिनट तक ऐसे ही पकाना है। हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। इस पर हम हरी धनिया गार्निश करेंगे। हमारी स्टफिंग भी तैयार है और हमारी शीट भी तैयार है। अब हम रोल्स बनाएंगे। हमने एक शीट ली है और इस पर हमने स्टफिंग को फैला दिया है और हमने चारों तरफ से मैदे का गाढ़ा घोल बनाया था वो लगा दिया है, जिससे हमारे रोल फ्राई करते हुए खुले नहीं। और इस तरह से हमें लपेट कर रोल बना लेना है। ये हमारा रोल बन गया। बाकी की शीट का भी हम इसी तरह से रोल तैयार कर लेना है। हमारे सभी रोल बन गए हैं। अब टाइम है इन्हें फ्राई करने का। एक कढ़ाई में हमने डीप फ्राई के लिए तेल गरम किया है। तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया है। चलिए अब रोल को फ्राई करते हैं। रोल को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है बीच बीच में चलाते हुए। देखिए इनका कलर बहुत अच्छा आ गया है। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। बाकी के रोल्स को भी हमें इसी तरह से फ्राई कर लेना है। हमारे सभी रोल फ्राई हो गए हैं। देखिए इनका कलर कितना अच्छा लग रहा है। अब इन्हें हम 3 पीस में कट कर लेते हैं। और अब हम इनकी प्लेटिंग करेंगे। प्लेट में इन्हें सर्व कर दिया है। सो फ्रेंड्स, हमारे सेवई वेज रोल तैयार हैं। इन्हें टमाटर केचप के साथ सर्व करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।